नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ चंद्रजीत कुमार। मैं बिहार में हूँ और बिहार के मैं दरभंगा जिला में हूँ और दरभंगा जिला के मैं दरभंगा तारामंडल में हूँ और दरभंगा तारामंडल में के कैंपस में हूँ और दरभंगा तारामंडल के कैंपस में हूँ। मैं ये दिखलाना चाहूँगा कि दरभंगा तारामंडल का उद्घाटन तो हो चुका है और यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है, यहाँ जो दर्शक तारामंडल में आते हैं कुछ देखने के लिए उसकी व्यवस्थाएँ क्या है, यहाँ कैसा है, यहाँ कुछ गार्ड से भी पूछेंगे तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तारामंडल को दिखला है। यहाँ पे बहुत सारे जो तारामंडल में जो लोग तारामंडल को देखने के लिए आए हैं, साथ में यहाँ पे एक गार्ड साहब है तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, यहाँ पे जाने का शुल्क है कि नहीं है। तो मैं खास बात करूँगा, सबसे पहले इनसे मैं नाम पूछूँगा कि नाम क्या है। तो क्या नाम हो सर आपका? संतोष कुमार। तो बताइए सर कि यहाँ पे आप तारामंडल में जो है आप कार्यरत है? ड्यूटी है। तो कितने घंटा ड्यूटी होता है? ड्यूटी 10 बजे से लेकर 6 बजे। अच्छा, ये बताइए सर कि तारामंडल में कितने बजे शो होता है? 11:30, 12:30, 2:30 बजे, 3 बजे। तो बताइए कि आप जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खास क्या है? खास क्या यही देखना है कि कोई गलत काम ना करे, इधर तोड़ फोड़ ना करे, शांति से देखें, शांति रखना है, लड़ाई झगड़ा ना हो। ऑनलाइन टिकट होता है, ऑनलाइन बुक होता है। अच्छा, खाली रहने को ऑफलाइन मिलेगा। तो बताइए कि शुल्क कितना है? 70 रुपये। तो कितने साल से कितने साल के बच्चे 70 रुपये? 14 से नीचे 14 तक 30 रुपये। अच्छा, 14 के ऊपर 70 रुपये। तो अब मैं यहाँ के दर्शक से बात करूँगा कि मैं यहाँ पे दर्शक से बात करूँगा कि क्या है। तो यहाँ पे जो लाइन लगे हुए हैं मैंने तारामंडल को तारामंडल में जाने वाले हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कि इसमें जाके देखने, तो उनसे बात करता हूँ कि अब यहाँ पे जो खड़े हैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम हो मैडम आपको? बताइए कि आप तारामंडल देखने के लिए हैं। तो बताइए कि आपको शुल्क भी लगा है? कितना शुल्क लगा? कहाँ से आया है? तो बताइए कि तारामंडल में मैंने कि आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मैं और एक दर्शक से बात करूँगा। क्या नाम हो मैडम आपका? तो बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? इंदिरा कॉलोनी। तो आप तारामंडल देखने के लिए आए? तो ये बताइए कि आपका शुल्क भी लगा है? कितना पैसा लगा? 70। तो बताइए कि आप तारामंडल में जो आया है आकाश जो देख रहा है, और तारामंडल बिहार का दूसरा तारामंडल है, तो उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो क्या नाम हो सर आपका? तो बताइए कि आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर। तो तारामंडल आप पहली बार देख रहे थे हमें? तो बताइए कि आप बाहर भी कभी गए हैं? बाहर में पटना वाला देखे। तो बताइए कि यहाँ पे और यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें कैसा लग रहा है? यहाँ थोड़ा सा स्पेशियस है, घूमने का अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आप आया? तो बताइए कि तारामंडल देखने तो दिल्ली जाइए। तो बताइए कि आपको शुल्क भी लगा है? तो बताइए कि आप इससे पहले भी तारामंडल देखे थे? तो बताइए कि तारामंडल में आपने देखे तो अंदर जाके नहीं, तो यहाँ का जो माहौल देख रहा है कैसा लग रहा है? तो आप यहाँ का जो घूमे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अभी अंदर जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है मैडम आपका? आयशा। क्या नाम है आपका? आयशा। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। तो आप बताएं कि दिल्ली से आप आए और यहाँ देख रहे हैं, तो ये बताएं दिल्ली में भी तारामंडल होगा? दिल्ली में तारामंडल नहीं है? तो इससे पहले इसके बाद भी कहीं और देखे हैं? नहीं, तारामंडल। अच्छा, तो बताएं कि यहाँ जो आप घूम रहे हैं तो कैसा फीलिंग कर रहे हैं? सही है।
खास नहीं है जी, इतना खास नहीं है। तो बताया कि यहाँ ऑनलाइन भी टिकट बुकिंग होती है और ऑफलाइन भी होती है, तो क्या आपने ऑफलाइन टिकट लिया या ऑनलाइन लिया? ऑफलाइन लिया। ऑफलाइन लिया तो दिखलाइए टिकट। तो कहना है कि जो यहाँ पे आए तो आप ये दिल्ली से आए हैं और बता रहे हैं कि ये भी देखने के लिए आए, तो बेसिकली आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है। तो मैं यहाँ के दर्शक से पूछा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे दर्शक लोग आए, गार्ड से पूछा कि कैसा लगा। धन्यवाद।